ठीक है, यूवी क्लॉकवाइज, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया ना, आई वुड से के अलग लेवल की क्लैरिटी है उसकी, ठीक है। अब डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? एक नदी आती है, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, ठीक है, और एक ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म बनाती है, उसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक। सो अब डेल्टा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का डेल्टा बन रहा है। आर्कुएट डेल्टा, आर्क है ना, आर्क क्या लिखा है, आर्क, दिस इज आर्क। बर्ड फुट डेल्टा, फुट कैसा होता है ऐसे, ठीक है, जैसे पंजाब मतलब पैर, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ऐसे है। कस्पेट, कस्पेट फीचर मैंने बताया आपको, अगर आपको याद हो कस्पेट फीचर मैंने क्लास में बताया था, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, किसी को याद है? कुछ इस तरीके से कस्पेट लैंडफॉर्म, ओके। एस्चुरीन डेल्टा, एस्चुरीन डेल्टा का मतलब ये हो गया कि जैसे एस्चुरी बनती है ना, इसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, बट आपको एस्चुरी वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि एस्चुरी बन रही है, बट इट इज नॉट एस्चुरी, बट फील्स लाइक एस्चुरी, कि सेडिमेंट बहुत ज्यादा ऐसे डिपॉजिट नहीं हो रहे, मतलब फैल नहीं रहे, ओके। मैं आपको फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा, एक एक सबकी फोटोग्राफ दिखाऊंगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये नाइल रिवर कहां है, मिसिसिपी रिवर कहां है, टाइबर कहां है, सीन कहां है? चलो एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब मेरे को बताओ इन सारी नदियों के बारे में बताओ, कौन कौन सी कहां कहां मिलती है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी से लिखो भाई। नाइल नदी कहां है? नाइल तो सबको पता है आई थिंक, अफ्रीका, हाँ जी, लेक विक्टोरिया से निकलती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। इजिप्ट में जाकर इसका डेल्टा बनता है, बहुत फेमस इजिप्ट, जो मिस्र की सिविलाइजेशन है ना, इजिप्ट सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, वो आपको यहां पर मिलती है, ठीक, ओके। मिसिसिपी, मिसिसिपी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मिसूरी, सो दैट इज इन द यूएसए, ओके। टाइबर कहां है? टाइबर कहां है, ओके, टाइबर हाँ यूएसए में है, मिसिसिपी। बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, ओके, टाइबर डेल्टा, यस, किसने दिया? बिजेंदर, वेरी गुड, दैट इज इन इटली, ठीक है, दैट इज इन इटली। सीन कहां पर है? यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, है ना, फ्रांस जो विला सॉरी फ्रांस वाला रीजन, ठीक है, सो दैट इज इन आई वुड से वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में आपको ये देखने को मिलती है, क्लियर। अच्छा अब इसको मैच द फॉलोइंग, आर्कुएट डेल्टा दिस, ये आपका मिसिसिपी बर्डफुट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, ये आपका सीधा सीधा मैच है, आंसर हो गया आपका डी, 1 2 3 4। किस किसने आंसर डी दिया था कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया डी। अब देखो कस्पेट, देखो कस्पेट कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा ये वाला लैंडफॉर्म कौन सा था जिसमें कि कोस्टल एरिया से एक एक्सटेंडेड आर्म निकलती है, ठीक है, सेडिमेंट्स ऐसे एक्सटेंडेड आर्म में डिपॉजिट होते हैं, कौन सा लैंडफॉर्म है जिसमें कि जो कोस्टल एरिया से आपके जो कह लीजिए सेडिमेंट्स हैं वो इस तरीके से एक्सटेंडेड आर्म में डेवलप होते हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे कुछ भी। अच्छा ये भी खिला हो गया, कई बच्चे तो, 5-6 बच्चे तो छोड़ के भी चले गए, शाबाश। सिर्फ आंसर जानने हैं सब आपको या बाकी भी चीजें जाननी है? सेम क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। स्पिट, यस, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। स्पिट, स्पिट इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जैसे थूकना, स्पिट, स्पिटिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया आपका बर्ड फुट डेल्टा, देखो ये आपका बर्ड फुट डेल्टा कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से ये शेप आ रही है, ठीक है। और ये हो गया आपका आर्कुएट, प्रॉपर आर्क बन रही है, ठीक है, आर्क बन रही है, क्लियर, ओके। सो ये देखो, ये आर्कुएट डेल्टा नाइल,
ये ऐसे आपको क्लियरली, बहुत क्लियरली एक आर्क शेप मिल रही है, ठीक है, ओके। कस्पेट, अब देखो ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये नदी आ रही है, ये देखो ये कुछ ऐसे आपका वो बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे कस्पेट, सॉरी, हाँ ये देखो ये ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो ये कस्पेट लैंडफॉर्म बन रहा है। ये हो गया आपका बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा, खासकर यहां पर जाकर आपको एक शेप मिल रही है। आगे चलते हैं, काफी डिस्कशन हो गया इस पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वॉल्केनो? तीन तरीके के वॉल्केनो होते हैं, हाँ जी, एक्टिव, डोरमेंट, और तीसरा कौन सा होता है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। आपका पेपर कितने दिन बाद है, 7-8 दिन बाद है, तो ये चीजें दिमाग में बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ओके। सो माउंट किलिमंजारो, स्ट्रोम्बोली, एटना, म्यान, हाँ जी, कौन कौन से देशों में है ये भी लिखो, सीधा सीधा पूछेगा माउंट मेरापी कौन से देश में है, तो इनमें से भी हो सकता है कोई पूछ ले, ओके। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है, सो दैट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो, बाकी सारे क्या हैं, एक्टिव वॉल्केनो हैं, ठीक है, स्ट्रोम्बोली, एटना, सो आंसर हो गया आपका ए, आंसर हो गया ए, स्ट्रोम्बोली, एटना, म्यान, कहां कहां पर है, किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया में, आईआईटी दिल्ली कैंपस खोल रहा है तंजानिया में, अगर आपको याद हो, ठीक है, एटना इटली, किलिमंजारो अफ्रीका, वेरी गुड, ठीक है, सो स्ट्रोम्बोली इटली, एटना इटली, म्यान फिलीपींस, क्लियर, किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया में हाईएस्ट पीक है। चलो आगे चलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन, सीबीएम, क्या है सीबीएम, सीबीएम, हाँ जी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो यूपीएससी ये क्वेश्चन देता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कि बच्चे जो हैं बेचारे इतनी मेहनत से आए हैं, सेंटर तक पहुंचे हैं, तो खाली हाथ ना जाएं, यस, ठीक है, वार्म अप क्वेश्चन है ये, मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, वीनस एंड अर्थ, हाँ जी, माई वेरी एजुकेटेड मदर, सो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आपको मिलती है, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये इसको हम क्या कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स, क्या बोलते हैं हम इनको, माइनर प्लैनेट्स, बेसिकली ये ऐसे समझ लो कि ये जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट जिनके हम बात करते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से रहे होंगे, ऐसे ही हवा में, बट ये कॉलियस हो गए, कॉलियस मतलब जुड़ गए, जुड़ के एक प्लैनेट बन गए, ये जुड़ नहीं पाए, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार, वो इंतकाम देखेगी, कुछ वैसा लग रहा है, क्या सुंदर नजारा है, चलो आगे चलते हैं, व्हाट डू